नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम अखिलेश है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश होटेलियन। जैसा कि आप सभी के साथ मैंने एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं। आज से करीबन 4 साल पहले मैं एक होटल के अंदर जॉब कर रहा था। करीबन 15 साल मैं उस कंपनी के साथ था और सडनली मेरे जॉब किसी और कंपनी में हो गई और तो मैंने एज अ प्रोटोकॉल मैंने इनफैक्ट एज पर द प्रोसेस मैंने उनको रिज़ाइन दिया एंड आई टोल्ड देम कि मैं जॉब चेंज करना चाहता हूँ। दे ग्लीफुली अग्रीड। उसके बाद मेरे बॉस ने कहा कि एक काम करो अखिलेश, और मैं कहता हूँ कि सपोज समबडी हैज़ रिज़ाइंड तो प्लीज़ उनको ज़बरदस्ती पुश ना कीजिए कि 2 महीने करो 3 महीने करो। मेरे हिसाब से सपोज़ वो आदमी जाना चाहता है तो उसको जाने देना चाहिए, क्योंकि ये मेरी जाती राय है। क्योंकि वो जो इंसान वहाँ काम कर रहा होगा वो 100% आपके पास नहीं होगा, वो फिजिकली तो होगा बट मेंटली तो नहीं है। तो इंस्टेंट समबडी कैन हार्म यू, और हो सकता है बेनिफिट हो जाए बट हार्म भी बहुत होगा, क्योंकि उसके बाद उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो प्रॉपर नहीं होगी। तो ऐसा ही मुझे कहा गया कि अकेले से एक काम करो, तुम रूम सर्विस में चले जाओ एंड यू टेक केयर ऑफ रूम सर्विस। आपको आना है आइए, जब आना आप आइए, सो वी आर नॉट फोर्सिंग यू टू बी देयर। तो ऐसा ही था, मैं रोज़ की तरह एक जॉब कर रहा था, रोज़ की तरह मेरे पास कॉल्स आ रही थी, मैं अपने जूनियर्स को असिस्ट कर रहा था। तो सडनली यू नो व्हाट हैपेंड, एक कॉल आया रूम से। Then they ordered, there was a girl who took the order as a room service order taker who took the order. उसके बाद उसने order लिखा, तो order तो क्या था आपको मैं बताता हूँ। The guest has ordered for pizza with lot of cheese and vegetable. But, you know, then order was punch, order was placed, order गया room service में भी एक paper, एक क्यूटी निकलती है, दूसरी क्यूटी किचन में निकलती है। तो वैसा ही था, किचन में निकला, उसके बाद पिज़्ज़ा बना। तो अभी रिसेंटली हमने एक प्रोसेस लिया, क्योंकि देखिए होटल में ना आप जब तक नया नया कुछ नहीं करोगे यू विल बिकम ओल्ड। क्योंकि क्या होता है कि आदमी को ना नया चाहिए, आप जब भी रेगुलर गेस्ट हैं तो वो रेगुलर आता रहेगा, तो कुछ लोगों को क्या टेस्ट चेंज करना अच्छा नहीं लगता। बट देर आर पीपल हु देर आर लॉट ऑफ पीपल हु वॉन्ट्स समथिंग न्यू वाई दे शुड गिव सम रीजन टू कम बैक अगेन। तो ऐसा ही था, चलो आगे वीडियो में चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद पिज़्ज़ा हमने सॉरी द पिज़्ज़ा जो था हम बॉक्स के अंदर, जैसे होटल के अंदर, जैसे मैकडोनल्ड आपका मैकडी एंड अदर होटल और रेस्टोरेंट चेन्स गिव यू द पिज़्ज़ा इन द बॉक्स एंड डिलीवर टू योर हाउस, तो ऐसा ही हमारा भी कॉन्सेप्ट था। हमने कहा कि चलो विल गिव इट टू द रूम। तो पिज़्ज़ा पैक हो गया, पिज़्ज़ा पैक होने के बाद एज द रूम सर्विस डू द They did not open the box and then they went back to order serve हुआ room में। करीबन 15 मिनट के बाद एक कॉल आता है रूम सर्विस में, I want to see the general manager। जब रूम सर्विस में ऑर्डर आया तो वहाँ हंगामा मच गया। वो लड़की जिसने ऑर्डर लिया था वो डर गई, क्योंकि यू नो वॉट, द गेस्ट वॉज वेजिटेरियन एंड She ordered for vegetarian pizza and it was served non-veg, chicken sausage wale. And she was Jaini. आप समझ सकते हैं कि क्या हालत हुई होगी। It was, हम सब भाग रहे थे। Suddenly, you know, she called GM. GM could ne kya. GM went running to the room. But my F&B, my director, he went inside. उसके बाद उसने क्या किया आप समझ भी नहीं सकते। रूम में जैसे हमने एंटर किया, पिज़्ज़ास ऑल ओवर द प्लेस, यू नो, दीवार पे पिज़्ज़ा, टीवी पे पिज़्ज़ा, प्लेट्स जमीन में पड़े हुए हैं। तो हम समझ सकते हैं कि इंटेंसिटी क्या हुई होगी। जब उस लेडी को पता चला कि आज तक जिसने कभी नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाया, जो इंसान पहले खाता था और अभी छोड़ चुका है फिर खा लिया, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उस इंसान के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है जो कभी भी नॉनवेज नहीं खाया और उसे नॉनवेज खिला दिया जाए। माय गॉड, आप लोग उल्टियाँ करते करते, मैं पहले बाद में भी कुछ इंसिडेंट्स मैं शेयर करूँगा कि कैसे मैंने वो हैंडल किया,
बट ये वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो नए हैं या आप मेरे चैनल पे आए हैं, अच्छा भाई साहब आप लोग ये देख रहे हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सुबह सुबह ऐसा कुछ मुझे फीडबैक सडनली मिला, मुझे मज़ा आ गया, मैंने बोला चलो आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब। तो ऐसे बैठे समझने से नहीं, गुरु बनाना पड़ता है। तो मैंने भी किसी को गुरु बनाया था, आप भी गुरु बनाओ तभी तो मज़ा आएगा काम करने में। चलो इंसिडेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो सडनली दैट के FMV डायरेक्टर पैर पकड़ लिया क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं। दैट गर्ल केम इन हु टुक द ऑर्डर, शी वॉज सॉरी। लेडी ने कहा कि नो प्लीज़ रिमूव दिस गर्ल, शी हैज स्पॉइल्ड एवरीथिंग, माई एक्सपीरियंस वॉज टोन इन टू अ पार्ट, यू नो खराब कर चुकी है, इसको हटाइए इमिडिएटली। एज अ स्मार्ट चैप वी टोल्ड हर टू गो एंड टेक सम 2-3 डेज रेस्ट, एंड उसके बाद यू नो उनको हमने फुल VIP ट्रीटमेंट के साथ पैर वैर पकड़ लिए, मान नहीं रही थी, बट हमने कहा कि देखिए छोटी सी बच्ची है, गलती हो गई। देखिए गलती मानने में कोई बुराई नहीं, उनके साथ एक्स्ट्रा स्मार्टनेस दिखाने के बाद यू विल बी इन अ प्रॉब्लम, बिकॉज आजकल के गेस्ट ना बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, यू कांट फूल देम अप। वो आजकल कुछ भी ना गूगल करके आपको सब कुछ, ऐसे भी इंसिडेंट बताऊंगा जो पहले भी हो चुके हैं, जो हमारे कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट गेस्ट होते हैं उनके साथ कैसे हैंडल करना होता है। एनीवे तो उस कंपनी ने उनका पूरा स्टे कॉम्प्लीमेंट्री किया, उनको VVIP ट्रीटमेंट 2 दिनों के लिए फ्री, मतलब सब कुछ फ्री 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 था। एंड यू नो आई हेट यू नो ऑल दी होटेलियर्स हु वर्क हार्ड टायरलेसली 12 आवर्स 14 आवर्स 18 आवर्स और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री, ओहो बहुत बुरा लगता रे भाई, कसम से बताता हूँ बहुत बुरा लगता है। एनीवे उसके बाद दैट गर्ल वॉज सेंट टू हर हाउस एंड देन यू नो वॉट, गलतियाँ करने में प्रॉब्लम नहीं है, गलतियों से आपने क्या सबक लिया, तो पहले हम यह जाकर देखें कि प्रॉब्लम क्यों हुई थी। प्रॉब्लम ये हुआ था कि जब आप QOT पे लिखते हो वेज पिज्ज़ा विथ लॉट ऑफ चीज एंड वेज, तो उन्होंने क्या कि एन के जगह पे एन हो गया था, यू नो न्यूमरिकल एन, साइन के जगह पे न्यूमरिकल एन हो गया था एंड वेज, तो दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक विच वॉज देयर। सो किसी ने रियलाइज नहीं किया, इवन शेफ डिड नॉट रियलाइज उसको क्यों ऐसा करना चाहिए, पहले चेक करना, इफ यू आर कंफ्यूज यू शुड चेक। वो पहले हर बार गलत चीजों में चेक करता था, उस दिन जब किस्मत खराब होती है ना तो कुछ नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, आप किस्मत आपकी खराब थी उस दिन, उसने चेक नहीं है, बहुत सारी चिकन सॉसेज उसने डाला और ऊपर से सोने पे सुहागा, उसमें लिखा था लॉट ऑफ चीज, तो क्या हुआ चिकन सॉसेज तो दबा के डाली थी उसके ऊपर, उसने लॉट ऑफ चीज डाल के उसको बेक कर दिया, एंड यू नो हाउ पिज्जा लुक्स। एनीवे ये समझ में आ गया कि भैया वो एन के जगह पे एन लिख दिया था इसलिए गलतियां हुई। देन वी रियलाइज कि वी कैन नॉट डू ऑल दिस, अब प्रोसेस चेंज करने थे। देखिए स्टैंड SOP जो होता है स्टैंडर्डाइज करने के लिए, आप किसी एक के वजह से प्रोसेस चेंज नहीं होनी चाहिए, तो SOP बनाई गई उसकी कि भैया अब खाना कैसे निकलेगा, क्योंकि फिर दोबारा मिस्टेक नहीं होते। देखिए एक बार गलती हो सकती है, गलतियों को वापस रिपीट, सेम गलती को वापस रिपीट करो, दैट्स अ मिस्टेक। देन व्हाट वी रियलाइज व्हाट वी विल डू, नेक्स्ट टाइम कोई भी ऑर्डर आता है ऐसा वेज नॉन वेज, तो हमने यू नो फ्लैग बनाया था वेज फ्लैग नॉन वेज फ्लैग, एंड जो नॉन वेज फ्लैग होगा शेफ उस डिश के ऊपर लगाएगा, जैसे देर आर नॉट एवरी ग्रेवी व्रेवी तो नहीं, बट बर्गर पास्ता पिज्ज़ा ऑल दोस पे आप लगाएंगे। तो हमने स्टार्ट ऐसा किया। तो कभी भी आपको कोई गलती होती है तो प्लीज़ डू उस मिस्टेक को कैसे हुआ क्यों हुआ एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, और उस गलती को वापस ना रिपीट करें, ये आपको हमेशा ध्यान देना। उस गेस्ट को तो हमने बाद में समझा बुझा के, पता नहीं वो वापस आएंगे भी नहीं आएंगे, बट एनीवे वी ट्राइड अ लॉट, हमने उनको छोड़ा नहीं और उनको उनका स्टे हमने उसके बाद, कुछ भी करो यार हम तो हॉस्पिटैलिटी वाले हैं, गेस्ट को नाराज होके जाते। अच्छा एक और बात, जब कंप्लेन आपके घर तक है तभी तक ठीक है, यदि कंप्लेन बाहर चली गई वो शामत ला देती है। तो कोशिश कीजिएगा कि कोई भी जो कंप्लेन हो वो होटल के अंदर ही रहे, आपके घर के अंदर ही, घर की समस्या जैसी है वैसे हमारा होटल भी घर ही है,
उसकी समस्या आपकी समस्या है। तो अच्छा लगा होगा वीडियो को, यदि आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल आपका होटेलियर, दैट मीन्स अखिलेश होटेलियर। थैंक यू, अंटिल देन, नेक्स्ट टाइम सी यू, बाय।